कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक की महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में प्रवचन नहीं होगा, क्योंकि आज से हम लोग वार्षिक सत्संग में भाग ले रहे हैं। हम लोग दिन भर प्रभु का वचन सुना है, तो आइए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो घुटना टेक सकते हैं घुटना टेके और योग्य रीति तथा भक्तिभाव से इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में भाग लें। आइए हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल गाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु येसु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने
क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल गाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल गाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। हमारे बीच उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज दोपहर से हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और आज के दिन प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित किया है। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदय और मन को इस समय समझा रहे थे, आनंदित कर रहे थे। अपने दिव्य वचनों के द्वारा प्रभु हमें आह्वान कर रहे थे। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज प्रवचन नहीं होगा बल्कि हम लोग प्रार्थनाएँ आगे बढ़ाएंगे।
एक दो पल के लिए अपनी आंखें मंद रखिए। पुनर्जीवित यीशु का सानिध्य इस परम प्रसाद के द्वारा आपके पास तक पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के सामने खोलिए। आज के इस रक्ताभिषेक प्रार्थना में जब आप बैठे हुए हैं, आपके हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए। किन किन बातों को लेकर आप प्रभु के पास आए हैं, क्या क्या रोग है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, उसको प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पूर्ण विश्वास करना कि प्रभु इस समय विराजमान है, यहाँ पर आपके पास हैं और आपकी बातों को सुन रहे हैं। आपके बंधनों को खोलने के लिए, आपके पापों को मिटाने के लिए, आपके हर प्रकार के रोग को मिटाने के लिए, उसे आपको छुटकारा देने के लिए इच्छुक एक मुक्तिदाता यीशु आपके करीब हैं, ऐसा विश्वास करना। प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तू महान, सर्वोच्च, पवित्र, सामर्थ्यवान, करुणामय, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। तू महान है, तू सर्वोच्च है, तू आसमान पर स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है और इस समय हमारे बीच में भी उपस्थित हुए हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं घोषित करता हूँ तू संसार का मुक्तिदाता है। मैं घोषित करता हूँ तू मेरा मुक्तिदाता है। मैं घोषित करता हूँ तू इस संसार में मुझ जैसे पापी के लिए, मुझ जैसे रोगी के लिए उतर आया है। हालेलुया, तू स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय समस्त संसार को हम प्रभु के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। सारे संसार पर जो महामारी, जो पीड़ाएं आ गई हैं, उन सारी पीड़ाओं को हम प्रभु के हाथ में सुपुर्द करने जा रहे हैं। कलवारी पहाड़ पर सारे मानव जाति के लिए रक्त बहाने वाले, अपने शरीर को तोड़ने वाले यीशु, सारी जनता के लिए, सारी सदियों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए हमारी समस्याओं का समाधान है, सवालों का जवाब है। और इसलिए समय कलवारी पहाड़ पर जो रक्त उन्होंने बहाया, उस पवित्र रक्त, उस निर्दोष रक्त के विशेष योग्यता को लेते हुए हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से, उसकी शक्ति से हमें हर प्रकार के बंधन और इस महामारी और महामारी के वायरस से छुटकारा दीजिए। संसार भर में जितने रोगी हैं, पीड़ित है, विशेष करके विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित और विशेष करके कोरोना रोग से पीड़ित हजारों लाखों भाई बहनों को, उसके द्वारा जितने लोग डिप्रेशन में गए, पागल हो गए, मानसिक रोगी हो गए, जितने लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, उन सारे लोगों को प्रभु की ओर उठाते हुए, उन सबके दर्द और पीड़ाओं को अपने हृदय में महसूस करते हुए इस समय हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस गीत के साथ मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करना, हृदय खोलकर प्रार्थना करना, अपने हृदय को इस समय महसूस करने देना, सबके दर्द और पीड़ाओं को महसूस करने देना। उस तरह हम इस गीत को गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, जोर से, जोर से गाइए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ जाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्यवान शक्तिशाली यीशु, तेरी महिमा तेरी आराधना, दयामय यीशु तेरी स्तुति तेरी आराधना महिमा। कलवारी पहाड़ पर हमारे लिए रक्त बहाने वाले यीशु, हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं। तेरे निर्दोष रक्त को बहाते हुए हमें बचाने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। महिमा 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 महिमा। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। पवित्र रक्त का अभिषेक, पवित्र रक्त का अभिषेक हर परिवार पर, हर सदस्य पर, हर घर पर, हर देश पर, सारी सृष्टि पर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने मृत्यु को हराया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से बंधनों से आजादी मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी कुछ देर पहले एक बहन ने जो टेलीफोन में लगे हुए हैं, जिनको हमारे कार्यक्रम के दर्शक फोन करते हैं, उन्होंने कहा कि 15 साल से एक बहन चल फिर नहीं पाती थी और रक्ताभिषेक साधना में लगातार भाग ले रही हैं। अभी वो आराम से चल फिर रही हैं, प्रभु ने उसके पैरों को बल दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से, बंधनों से। कई लड़कियों ने ये सूचना दी है कि उनको अंदरूनी रोग थे, उससे उनको छुटकारा दिया है प्रभु ने। कई प्रकार के रोगों से प्रभु ने छुटकारा दिया है। अनगिनत लोगों को प्रभु ने चंगाई दी है इस कार्यक्रम के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। आज भी आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास करना, दृढ़ विश्वास करना, एक तीव्र विश्वास कि यीशु मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। और जितने भी रोगी हैं वे इस समय प्रभु की ओर अपने हृदय और मन को उठाएंगे, यीशु के वचनों पर विश्वास करेंगे। यीशु ने कहा निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने रोगमय शरीर के हिस्सा को प्रभु को समर्पित करेंगे, चाहे वो आंख हो, कान हो, शरीर का कोई भी हिस्सा हो, प्रभु को उस जगह को स्पर्श करने देना इस समय। प्रभु अपने पवित्र रक्त के द्वारा आपको शुद्ध करें, पवित्र करें, चंगा करें। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए, स्वतंत्र होकर इस समय स्तुति और आराधना करते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त की योग्यता और शक्ति से हर प्रकार के रोग से, पुराने से पुराने रोग से गंभीर रोग से चंगाई मिले। इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले यीशु के नाम पर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना को हम लोग दोहराएंगे और इस प्रकार इस प्रार्थना को अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। दाहिने हाथ ऊपर उठाइए और मेरे पीछे विश्वास के साथ दोहराएंगे इस प्रार्थना को, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कल और परसों भी मातृधाम वार्षिक सत्संग होगा, सुबह 11:30 मिसा बलिदान और 12:30 से स्तुति और आराधना, 1:00 से 2:30 तक दो प्रवचन, 2:30 से आराधना। जरूर आप उसमें भाग लेंगे और भी लोगों को इसके बारे में बताएंगे। हर शुक्रवार को शाम को 7:00 इसी तरह रक्ताभिषेक प्रार्थना होगी, लेकिन हर शुक्रवार को
कम से कम एक घंटे की प्रार्थना होगी। आज ये प्रार्थना छोटी की गई है। आइए हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे, अपने सिर झुकाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल गाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल गाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।